गोरखपुर सदर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी रवि किशन मंगलवार को नामांकन से पहले महाराणा प्रताप स्थित प्रांगण में आयोजित एक जनसभा में पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभा में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मंच से कार्यकर्ताओं के बीच भारत माता की जय वंदे मातरम का नारा लगाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान मंच पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, सदर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित सैकड़ों पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर सदर लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन ने कहा, अपना कार्यक्रम है, नामांकन सभा को हमें ऐतिहासिक बनाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अनुपमा पांडे जी, चंद्र सिन्हा जी, राकेश सिंह जी, जयप्रकाश चौबे जी, दीनानाथ चौहान जी, संतोष कुमार चौहान जी, सभी अब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करें। अभिनंदन लोग भी मंच के दाहिने और ये सामने खड़े हैं, स्वागत एवं अभिनंदन। महानगर के मंत्री अम्बी हिंदू युवा वाहिनी सहजनवा के आप निषाद जी, जेपी राव जी, आप सभी वजीउल्लाह अंसारी जी, माता खान जी अजमेर, हम अभिनंदन। मनोज सिंह जी, अजय राय जी, राम नारायण जी, प्रदेश के महामंत्री नितिन कुमार जी, अर्जुन शर्मा जी, आशुतोष भाटिया जी, ऋषि कुमार जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। रवि किशन जिंदाबाद। यही देखो, हम खांटी लेकर आए, हम लोग रेंग कर ऊपर आए हैं, तो चलना है कोई हमारे लिए दिक्कत नहीं। और भोजपुरी का हार्ट है गोरखपुर। हम लोग सब चलने वाले लोग हैं, हम लोग चल के देश का निर्माण करते हैं, वही बात है। ये समाज जो है भोजपुरिया, ये बहुत शक्तिशाली 30 करोड़ का समाज है। मनोज तिवारी ने भी 2009 में चुनाव लड़ा था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, लेकिन हारे थे, वो भी बीजेपी में। आप गलत झंडे के नीचे रहेंगे तो आप हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी सही झंडा है। जुनून है, एक मोदी जी योगी जी के कर्मों का जुनून है, और वो जुनून उत्तेजना पूरे देश में है, और उतनी ही ज्यादा उत्तेजना, एक ज्वलंत उत्तेजना है गोरखपुर के, ये गोरखपीठ के पावन धरती पर। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये मोदी जी योगी जी के कर्मों का नतीजा है, जो उन्होंने अच्छे काम किए हमारे गांव देहात ग्रामीण छोटे शहर, वो देख रहे हैं। ये नॉमिनेशन में आप देख रहे हैं, एक बदले की भावना है। 2018 के चुनाव में जो एक छल हुआ था, मात्र 21,000 वोट से सांसद का चुनाव हार गए थी भारतीय जनता पार्टी, उसका बदला लेना है सबको 19 मई को। तो ये उत्तेजना उसकी है, या आक्रोश उसका है कि मंदिर की सीट छल से किसी ने ले ली, जो 50 साल से मंदिर की थी, गोरखपीठ की सीट थी। तो ये उत्तेजना उसकी उत्तेजना है, ये संस्कृति की उत्तेजना है, राष्ट्र प्रेम की उत्तेजना है, धर्म प्रेम की उत्तेजना है। लहर नहीं सुनामी है, ये कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? 74 सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, हमारी सीटों का एक ऐतिहासिक विजय होगी, या आप 23 मई को देखना। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत, योगी महाराज की जीत, भारतीय जनता पार्टी संगठन की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। भैया, विपक्षियों का एक मुद्दा है कि आप बाहरी हैं, इस पे क्या जवाब देना चाहिए? मामखोर सुकुल है, मामखोर सुकुल है। इसी संगठन 2 महीने से काम कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का योगी महाराज का संगठन। प्रत्याशी चुनने के पहले ही गांव देहात ग्रामीण क्षेत्र, हमारे पूरे 5 विधायक, हमारे पूरे अध्यक्ष जी, जितना भी संगठन है, एक बहुत बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश का, गढ़ है ये बीजेपी का गोरखपुर। हमारे संगठन ने पूरी दिशा रणनीति कर ली है, 2 महीने से काम चल रहा है। हमारा नाम पिछले हफ्ते जब डिसाइड हुआ, लेकिन वो उसके बाद हम लोगों ने, पूरे संगठन ने अपने आप को झोंक दिया। तो इस वक्त हमारे लोग, हिंदू युवा वाहिनी संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्वयं पूरे गोरखपुर के निवासी, इस बीजेपी की, इस धर्म की लड़ाई, इस संस्कृति की लड़ाई जो हमारी है, उसके प्रचार में लग गए हैं। महाराज जी को जिताना है, मंदिर की सीट को वापस लाना है, यही सब नारा लेके बच्चा बच्चा निकल चुका है। रवि जी, ये बताइए, आपको सबका आशीर्वाद मिल गया, योगी जी का आशीर्वाद मिला, मोदी जी का मिला,
गोरखपुर की जनता ने आपको आशीर्वाद अभी दिया नहीं है और क्यों आपको आशीर्वाद दे ये बताइए आप। नहीं पूरा देख रहे हो का हो आशीर्वाद भेटाइल की ना हमरा के। ये तो ठीक है, ये तो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ना ना नहीं, आपको किस आधार पे गोरखपुर की जनता वोट करे? गोरखपुर की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, यहाँ रोजगार के नहीं है, पलायन का मसला है, सारी चीजें, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए हम हैं मामखोर के, हम इसी माटी के, करेक्ट राइट, मामखोर सुकुल हैं, यहाँ पूर्वांचल में शूटिंग की है और योगी महाराज जी ने यहाँ इतनी सारी सुविधाएं की हैं, एम्स से लेके चीनी मिल से लेके, आप इंडस्ट्री के बारे में स्वयं जानते हैं, इतना रोजगार दिया है, गोरखपुर में कोई पलायन नहीं कर रहा है, सब यही है, ये अपोजिशन की अफवाहें हैं। गोरखपुर में फिल्म स्टूडियो आएगा, कई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। पूर्वांचल इस वक्त पूरा मोदीमय हो चुका है, देश मोदीमय हो चुका है, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी सारी फ्री फैसिलिटीज़ जो मिली हमारे गरीब गुरबा लोगों को, सारी जात को, ऐसे लोगों को भी लाभ मिला है जिन्होंने 2014 में मोदी जी को वोट नहीं दिया, 70% वो आबादी भी है। गैस कनेक्शन 7 करोड़ मिला है हमारी महिलाओं को, कितने गरीबों को मकान मिला है, करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ है, योजनाएँ हैं, अनगिनत योजनाएं हैं, सड़कें आप देखिए, किसान ग्रामीण की योजनाएं, पेंशन है, गरीब व्यवसायी के लिए भी पेंशन खोल दिया है। 5 साल में देखिए, गौर करिए, एम्स आता है 2 साल के अंदर, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एम्स 150 एकड़ में आता है, गोरखपुर में मात्र 2 साल में। महाराज जी ने, सरकार ने, मोदी जी ने पूरी मदद की, योगी महाराज ने 2 साल में जहाँ आज 700-800 लोगों का रोज इलाज हो रहा है, गोरखपुर एक स्वर्ग बन चुका है, इसको आप स्मार्ट सिटी कह सकते हैं, जहाँ पर 5-स्टार होटल से लेके वो चिड़ियाघर घर हो या एम्स हो और जितने भी कारखाने हो, चीनी मिल पिपराइज में जो बहन जी बेच दी थी, अखिलेश बाबू चालू नहीं करवाए थे, हमारे विधायक जी बगल में खड़े हैं, इन्होंने चीनी मिल शुरू करवाई, न जाने कितने रोजगार, गिनवाते गिनवाते रात हो जाएगी, मेरा नामांकन का समय खत्म हो जाएगा, इतना काम किया है।